जय हिंद दोस्तों, मैं हूं देवनाथ। मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है त्रिपुरा फिजिकल एकेडमी। यहां पर होता है इंडियन आर्मी की न्यू नोटिफिकेशन, न्यू जानकारी, फिटनेस की नए ट्रिप्स, नई बातें। साथियों, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं इंडियन आर्मी में जो नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में लेफ्टिनेंट रैंक में रिक्रूटमेंट आया है। साथियों, ये है ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए। साथियों, बहुत सारे मैं यूट्यूब में वीडियोस देखा हूं, लेकिन लड़की के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा। मैं बहुत सारे वीडियोस देखा हूं, क्यों भाई? लड़कियों को भी आगे जाने दो, उनको भी सपना है बनने का कुछ। तो इसी के संदर्भ में ऐसे वीडियो लेकर आया हूँ ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए। जो मैं रिक्रूटमेंट लेकर आया हूँ, यह है ज्वाइंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग कोर्स 2021। तो साथियों, सबसे पहले इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी आप लोगों को बताता हूँ। साथियों, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट में जो नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में जो रिक्रूटमेंट किया गया है, फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका डेट है 17 फरवरी से लेके 10 मार्च तक। लाइए, सबसे पहले कंप्यूटर में जाइए, वहां पर जाने के पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 750 रुपए का इसका फीस है। तो साथियों, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल देखा होगा इंडियन आर्मी में, एमएसओ मिलिट्री हॉस्पिटल, तो वहां पर क्या होता है, जो नर्सिंग असिस्टेंट के रूप से एक फीमेल कैंडिडेट को भर्ती कराया जाता है लेफ्टिनेंट रैंक में। तो साथियों, उसमें एंट्री होने के लिए सबसे पहले आपके पास मान्यता होना चाहिए 10+2 विद साइंस। साइंस में क्या होना चाहिए, सबसे पहले देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 10+2 होना चाहिए, किसी भी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए या बोटानी और जियोलॉजी होना चाहिए, एंड विद इंग्लिश, और 50% मार्क होना चाहिए, और रेगुलर स्टूडेंट का होना चाहिए। कुछ एजुकेशन इसमें मांगा गया है, आप रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए और उसमें ओपन का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा जो ओपन से एग्जाम दिया हुआ, ठीक है साथियों। उसमें सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट को नहीं दे सकते। उसमें सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देख लेते, डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1996 टू 30 सितंबर 2004, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। पोस्ट का बात करें, पोस्ट का है 220 है पोस्ट की डेट। उसके बात करें उसकी जो रिजर्वेशन सीट क्या क्या होगा, रिजर्वेशन सीट एससी एसटी के लिए 15 सीटें हैं, जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसमें 25 सीटें हैं जो रिजर्वेशन। जो हाइट मांगा गया है इसमें 148 से लेके 152, 148 उसी के लिए एसपी एसटी प्लस हिल एरिया, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उस साइड के जो हिल एरिया है जैसे हिमाचल हो गया, उस साइड एरिया के जो भी है कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसका जो हाइट है 148 होगा। बाकी जो अदर स्टेट है उसमें 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें कोई फिजिकल नहीं है दोस्त। नंबर वन, सबसे पहले आपकी एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या होगा, इसमें एग्जाम में क्या होगा, सबसे पहले आपका जनरल इंग्लिश होगा, 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क का है। जनरल इंटेलिजेंस होगा, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क का है। उसके बाद साइंस में होगा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये आएगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, टोटल 150 नंबर की मार्क होगा, मार्क्स होगा, और टाइम होगा 90 मिनट, पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले एग्जाम, जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसके बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल खत्म होने के बाद उसका मेरिट लिस्ट आएगा, लगभग महीना 2 महीना लग जाता है। उसका मेरिट लिस्ट आने के बाद जब नंबर आ जाता है, अगर पास हो जाते हो, उसके बाद आपको सेंटर दिया जाएगा। 4-5 सेंटर है, पुणे है, दिल्ली है, अलग अलग सेंटर है, उसमें आपको डिटेलमेंट किया जाएगा। वहां पर आपको कोर्सेस होगा, टोटल होगा 4 साल की कोर्स होगा। 4 साल कोर्स होने के बाद आपका जो रैंक मिलेगा, आपको लेफ्टिनेंट रैंक मिलेगा, कंधे में 2 स्टार मिल जाएगा, ठीक है साथियों। उसमें क्या, इंडियन आर्मी में जितनी एमएस मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद रैंक आगे जाते हैं लेफ्टिनेंट, उसके बाद आता है कैप्टन, उसके बाद आपका आ जाएगा मेजर, ठीक है, मेजर होगा, मेजर के बाद आएगा लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरह से रैंक आगे तक जाते रहेगा। ओनली फॉर इसमें फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जेंट्स नहीं कर सकते। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे वीडियोस देखा, फीमेल के लिए कोई वीडियोस नहीं बनाता, सब जेंट्स के ऊपर वीडियो बनाते जा रहे।
इसलिए ये जो नोटिफिकेशन है 99% में बोलता हूँ 99% कैंडिडेट को पता नहीं होता ये कब वैकेंसी आता है कब वैकेंसी निकल जाता है पता नहीं चलता। तो इसलिए जो भी फीमेल कैंडिडेट है मेरी बहने हैं अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आपको बुक्स चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां से आप परचेस कर सकते हो बुक्स को। परचेस करने के बाद उसमें से पढ़ाई करके आप एग्जाम दे सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं ज्यादा हार्ड नहीं है नॉर्मल आपका एग्जाम होगा एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हो। इंटेलिजेंट है एग्जाम तो है इसमें फिजिकल है नहीं टेंशन लेने कोई बात नहीं है बस आप ओवरवेट नहीं होना चाहिए हाइट के हिसाब से आपके वेट भी बराबर होना चाहिए और नॉर्मल मेडिकल होगा और बस इतना ही है फिजिकल है नहीं बस। इससे अच्छा सुनहरा मौका मेरी ख्याल से और मैंने आज तक नहीं देखा इस तरह से अच्छा एक आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म से आप तुम्हारे जो सपना और ड्रीम्स है वो पूरा कर सकते हो। और बस बाकी इतना ही है ज्यादा मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। तो साथियों उसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर जिसने मेरे त्रिपुरा फिजिकल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाए जिससे नया नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाएगा। तो साथियों थैंक यू सो मच यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत।